सोलापुर नाम के गांव में मीनू नाम की लड़की रहा करती थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ पिताजी को खेतों के कामों में भी हाथ बटा दिया करती थी। मीनू एक दिन खेतों में काम कर रही थी कि तभी उनके खेत में कुछ लोग गन्ने लेने के लिए आए। तभी मीनू के पिताजी शंकर, कौन हो भाई और क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई, हम यहाँ गन्ने लेने के लिए आए थे, तुम्हारे खेत में गन्ना दिखा तो चले आए। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, कितना गन्ना चाहिए था आपको? जी हमें 50 किलो गन्ना चाहिए था, क्या आप हमें अभी गन्ने काट कर दे सकते हैं? जी ठीक है, मैं आपको अभी गन्ने काट कर दे सकता हूँ, मगर मुझे गन्ने के दाम 15 रुपए किलो चाहिए। अरे भाई, तुम इस गन्ने के ज्यादा पैसे लगा रहे हो, हम तो ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए देंगे, उसके ऊपर 1 रुपया नहीं दे सकते हम। ठीक है अभी देता हूँ। ऐसा कहकर शंकर अपने खेत से गन्ने काट कर उन लोगों को दे देता है। थोड़ी देर बाद शंकर अपनी पत्नी सुमति के साथ घर चला जाता है। घर जाते ही सुमति हाथ मुंह धोकर रसोई का काम करने के लिए चली जाती है और मीनू अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती है। तभी शंकर सुमति से, अरे भगवान, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो अलमारी में ठीक से रख तो दिए है ना? नहीं जी, मैंने तो वो भगवान के सामने रख दिए है, बाद में अलमारी में रखूंगी। आपको नहीं लगता कि उन्होंने हमसे बहुत ही कम दामों में गन्ना खरीदा? अरे भाग्यवान, वो तो मुझे भी पता है कि उन्होंने कम दाम लगाया, मगर घर आए लक्ष्मी को हम कैसे ठुकराते, इसलिए मैंने उन्हें गन्ने दे दिए। आपकी ये बात सही है, चलो मैं खाना बनाती हूँ। उन दोनों की बातें मीनू सुन रही थी। मीनू अपने पिताजी से, पिताजी क्या हमारे खेत का गन्ना इतना सस्ता बिकता है? अरे नहीं नहीं बिटिया, वो तो बहुत अच्छे दामों में बेचे जा सकते हैं। गन्ने को शहर में बहुत अच्छा दाम मिलता है, मगर गन्ने को शहर में कौन लेकर जाएगा, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। पिताजी ठेले पर तो गन्ने का जूस बहुत महंगा होता है, 20 रुपए तो होता ही होता है। बिटिया तुम्हारी सारी बातें सही है, मगर हम कुछ नहीं कर सकते, शहर में लेकर जाने के लिए खर्चा भी तो आएगा, हम गरीब किसानों को वही दाम पड़ता है। मीनू अपने पिताजी की बातें सुन चुप हो जाती है। मीनू रात भर अपने पिताजी की बातें सोचती रहती है। सुबह उठकर मीनू अपने काम करके कॉलेज चली जाती है। कॉलेज पहुंचने पर उसे थकान महसूस होने लगती है और उसी कारण वो सोचती है कि आज तो मुझे गर्मी के कारण बहुत ही थकान महसूस हो रही है, अगर मुझे यहाँ जल्दी से फ्रूट जूस मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। ऐसा सोचकर मीनू अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज छूटने के बाद वो घर आ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शंकर के घर के हालात बहुत ही खराब हो जाते हैं। उसमें मीनू की कॉलेज की फीस भी आ जाने की वजह से शंकर और मालती टेंशन में आ जाते हैं। तभी ये सब देखकर मीनू अपने पिताजी से, पिताजी मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि क्यों ना हम कॉलेज के सामने एक ठेला लगाकर गन्ने का जूस बेचे, वहाँ आसपास कोई भी ठेले वाला नहीं है और कॉलेज करके मैं आपका हाथ बटाने आ जाया करूँगी। मीनू की बातें सुन शंकर और मालती सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ा सोचने के बाद मालती शंकर से, मैं सोच रही हूँ कि हमारी मीनू सही कह रही है, मुझे उसका निर्णय अच्छा लगा, उसके साथ आप रहेंगे तो हमें चिंता की कोई बात भी नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है, मगर गन्ने का जूस निकालने के लिए हमें मशीन भी तो लगेगी ना। मालती घर में जाकर अपने जमा किए हुए पैसे लेकर आती है और शंकर को देकर, ये कुछ पैसे है मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए रखे थे, मगर अभी इसकी जरूरत है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगले दिन वो पैसे लेकर शंकर बाजार चला जाता है और एक गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन खरीद कर लाता है और स्कूल के सामने एक ठेला लगा देता है। शंकर मीनू से, अरे बिटिया हम इतने सारे पैसे खर्च करके ये मशीन तो लेकर आए, मगर हमारे यहाँ ग्राहक तो आएंगे ना। क्यों नहीं आएंगे पिताजी, हमारा गन्ना अच्छा है इसीलिए हमारे गन्ने का रस भी ताज़ा और बहुत गुणकारी रहेगा, इसीलिए ग्राहक बार बार हमारे यहाँ जरूर आएंगे। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे सच में लग रहा है कि हमारा गन्ने का जूस पीने बहुत सारे लोग आएंगे। दूसरे दिन शंकर और मीनू जल्दी ही ठेले पर चले जाते हैं। सुबह उनके ठेले पर कोई नहीं आता, मगर जैसे जैसे दोपहर होने शुरू हो जाती है वैसे वैसे मीनू के ठेले पर लोग आना शुरू हो जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी शंकर से, अरे भाई एक ग्लास गन्ने का जूस तो दो, बहुत थकावट लग रही है। अभी देता हूँ दादाजी, आप बैठिए। हाँ हाँ मैं अभी बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर शंकर गन्ने का रस निकालना शुरू कर देता है
कुछ मिनटों में ही गन्ने का जूस तैयार हो जाता है। तभी शंकर एक ग्लास में जूस डालकर वो बूढ़े आदमी को दे देता है। बूढ़ा आदमी गन्ने का जूस पीने के बाद बहुत खुश हो जाता है और बूढ़ा आदमी शंकर से, अरे भाई तुम्हारा गन्ने का जूस तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने इतना अच्छा जूस आज तक नहीं पिया, ये बहुत लाजवाब है। धन्यवाद बाबा। बूढ़ा आदमी अपना जूस पीकर वहाँ से चला जाता है। तभी दो नौजवान भी उनके यहाँ आकर जूस पीकर चले जाते हैं। ये देख मीनू और शंकर बहुत खुश हो जाते हैं। मीनू अपने पिताजी से, पिताजी मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे यहाँ ग्राहक आएंगे, ये तो शुरुआत है, आगे तो बहुत ग्राहक आएंगे। हाँ बेटी, भगवान करे तुम जैसा कह रही हो वैसा ही हो। ऐसे ही दिन प्रतिदिन मीनू के ठेले पर ग्राहक भीड़ करने लगे। ग्राहकों को उनके गन्ने का जूस बहुत ही अच्छा लगता था और उसी वजह से उनके ग्राहक आना बढ़ गए थे। कुछ ही दिनों में शंकर ने मीनू के कॉलेज की फीस भी भर दी और अपने खेतों के साथ ठेले का काम भी संभाल लिया। शंकर की पत्नी मालती भी उनके साथ काम करने लगी थी। अब मीनू और शंकर की कड़ी मेहनत रंग दिखाने लगी थी। शंकर ने उसी जगह को खरीद कर उस पर अपना खुद का दुकान बनाया और अपना गन्ने का जूस बेचने लगा। मीनू की कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के बलबूते पर आज उसने अपनी कल्पना को साकार किया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हार मिले या जीत, हमें कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रामपुर नाम के गांव में विमला और कमला नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन विमला बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी, वही छोटी बहन कमला बड़ी ही आलसी और निकम्मी थी। वो बस दिन भर खाती और सोती थी। बड़ी बहन विमला अपने पति किशन के साथ खेतों में बहुत ही मेहनत करती थी। वो खेतों में सब्जी उगाकर शहर में बेचने जाती थी और अच्छे पैसे कमाती थी। वही छोटी बहन कमला गांव में दूसरों के घर जाकर इधर उधर की बातें करती थी और सारा काम अपने पति से ही करवा लेती थी। खुद बहुत ही कम मेहनत करती थी और मामूली पैसे कमाती थी। उसके इस बर्ताव से उसका पति रमेश भी हमेशा परेशान रहता था। और तो और, कमला विमला की संपत्ति से ईर्ष्या भी बहुत करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके गांव में एक महान योगी आए। योगी महाराज के आने की खबर सुनते ही कमला और विमला दोनों भी महाराज के दर्शन के लिए मंदिर में गई। दोनों ने खूब मन लगाकर योगी महाराज की सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महाराज ने उनसे कहा, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? महाराज मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए आपसे। महाराज मुझे आशीर्वाद में 3 वरदान चाहिए। कमला ने सोचा महाराज से वरदान पाकर वो विमला से अधिक धनवान बन जाएगी। लेकिन योगी महाराज ने कमला की ईर्ष्या को पहचान लिया था। उन्होंने कमला से कहा, मैं तुम्हें वरदान तो दूंगा लेकिन याद रहे तुम जो भी वरदान मांगोगी उससे 2 गुना तुम्हारी देवरानी को मिलेगा। कमला ने योगी महाराज को मनाने की बहुत कोशिश की कि वरदान में जो कुछ भी मिले उसमें सिर्फ उसी का लाभ हो, विमला को कुछ भी ना मिले। लेकिन योगी महाराज के सामने उसकी एक न चल पाई। आखिर कमला को महाराज की बात माननी ही पड़ी। कमला ने घर जाकर सारी बात रमेश को बताई। दूसरे दिन सुबह कमला और रमेश अपना पहला वरदान मांगने मंदिर गए। कमला भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर, हे भगवान मुझे सोने से भरा एक घड़ा चाहिए। तभी कमला के सामने सोने से भरा घड़ा प्रकट होता है। कमला और रमेश सोने से भरा घड़ा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे लेकर घर आते हैं। लेकिन दूसरी ओर विमला को सोने से भरे 2 घड़े मिलते हैं। उन्हें देखकर विमला भगवान से, हे भगवान मुझे तो आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। इधर कमला को जैसे ही पता चलता है कि विमला को सोने के 2 घड़े मिले हैं, तो कमला विमला पर ईर्ष्या से तिल मिला जाती है और गुस्से में, अब तू बस देखती जा मैं तुझे कैसा सबक सिखाती हूँ। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। दूसरे ही दिन कमला अपना दूसरा वरदान मांगने मंदिर जाती है और भगवान से 1 आंख से अंधे होने का वरदान मांगती है। इधर कमला 1 आंख से अंधी हो जाती है और दूसरी तरफ विमला 2 आंखों से अंधी हो जाती है। लेकिन कमला को अपने 1 आंख की रोशनी जाने से ज्यादा विमला पूरी तरह से अंधी हो गई है इस बात से बहुत खुशी थी। इधर विमला रो रो कर भगवान को याद करती है, हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने किसी का क्या बुरा किया है जो मुझे ये सजा मिली, अचानक मैं देख क्यों नहीं पा रही हूँ।
अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन खेत में काम करते करते कमला एक तेज धार की टहनी से टकरा जाती है और उसकी दूसरी आंख फूट जाती है। कमला तकलीफ से कहरने लगती है, हे भगवान, अब मेरा कैसे होगा? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूं? तभी कमला को अपने तीसरे वरदान की याद आती है और वो तुरंत ही अपने पति की सहायता लेकर मंदिर में जाती है और अपना तीसरा वरदान मांगती है। भगवान, मुझे मेरी दोनों आंखें वापस दे दो। कमला, मैं तुम्हें दोनों आंखें नहीं दे सकता, क्योंकि योगी महाराज के वरदान के अनुसार मुझे दो गुना विमला को देना होगा और मैं विमला को चार आंखें नहीं दे सकता। भगवान की बात सुनकर कमला बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी भगवान कमला से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक आंख वापस दे सकता हूँ, लेकिन विमला को उसकी दोनों आंखें वापस मिल जाएगी। तभी कमला सोचने लगती है कि जिंदगी भर अंधा रहने से अच्छा है कि कम से कम एक आंख से तो देख पाऊंगी। भगवान, आप मुझे एक आंख दे दो। तथास्तु। कमला को एक आंख मिल गई और दूसरी तरफ विमला को अपनी दोनों आंखें वापस मिल गई। हे भगवान, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों, कमला को अपनी ईर्ष्या की वजह से जिंदगी भर एक आंख से अंधा रहना पड़ा। इसीलिए हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। मंगलपुर नाम के गांव में सुमन अपने पति रमन के साथ रहती थी, जो बहुत ही गरीब, सुलझी हुई, दूसरों की मदद करने वाली, कम पैसे होने के बावजूद भी खुद भूखी रहकर सबको पेट भर खाना खिलाने वाली औरत थी। गांव में जिस किसी को भी जरूरत हो तो सुमन उसके बेझिझक मदद कर दिया करती थी। उसी गांव में रमा नाम की एक औरत अपने पति सुभाष के साथ रहती थी, जो बहुत ही झगड़ालू औरत थी। वो बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। उसे सिर्फ ज्यादा चाहिए था। वो हमेशा दूसरों के आंगन से सुबह जल्दी उठकर फूल चुराती थी और भगवान के मंदिर में चढ़ाती थी, ताकि कोई काम किए बिना ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। एक दिन रात के समय रमा मन ही मन, चलो घर के सारे काम खत्म हो चुके हैं, अब मैं जल्दी से सो जाती हूँ, ताकि कल सुबह गांव की औरतें उठने से पहले ही उनके आंगन के फूल चुरा सकूं। आखिर कल से नवरात्रि जो शुरू हो रही है, माता का आशीर्वाद तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। मैं पूरे मंदिर को ऐसा सजाऊंगी कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा मुझ पर ही जमी रहे। अरे रमा, आजकल तुम खुद से ज्यादा बातें करने लगी हो, तुम्हारी ये आदत बहुत बढ़ चुकी है। हाँ हाँ, बस बस, लाइट बंद कर दीजिएगा जल्दी, मुझे सुबह जल्दी उठना है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, कल से नवरात्रि जो शुरू हो रही है, गांव में किसी औरत को कोई फूल नहीं मिलना चाहिए, यही नियोजन होगा आपका। सो जाइए सो जाइए। अब रमा सुबह जल्दी उठकर गांव के लोगों के आंगन से फूल तोड़ने लगती है। वो फूल तोड़ते वक्त जरा भी नहीं सोचती थी कि पेड़ की डहालियां टूट रही है या फिर पौधा खराब हो रहा है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे फूल चाहिए थे, और ये बात गांव के सभी लोगों को पता थी कि वो रमा ही है जो सुबह उठकर सारे गांव के पेड़ पौधे तोड़ते हुए फूल चुराती है और पूरे मंदिर को फूलों से सजाती थी। लेकिन जब भी कोई उसे रोके या फिर पूछे तो वो उससे बड़े ही बदतमीजी से बात करती थी। एक दिन रमा अपने सारे काम हर रोज की तरह खत्म कर नदी पर कपड़े धोने और पानी लेने के लिए सुमन के साथ जाने लगती है। जाते जाते एक बूढ़ी सुमन से, सुमन बिटिया, जरा देखो तो, सुबह जल्दी कोई बंदरिया आई थी शायद, जो पूरे आंगन में पेड़ों का कचरा करके चली गई। जरा इसे साफ करने में मेरी मदद करोगी? बहुत अच्छा होगा बिटिया। ओ बुढ़िया कही की, बोल ना कि रमा फूल तोड़ कर ले गई और यहाँ कचरा कर गई। बंदर बोलती है क्या मुझे? पूरे गांव को पता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही फूल तोड़ने आती हूँ सुबह। अरे रमा, ऐसे क्यों बात करती है? मैं तुझे थोड़ी ना बंदरिया बोलूंगी। तुम्हारे जाने के बाद सच में ही यहाँ बंदरिया आई होगी, जो इतना आंगन खराब कर गई। चुप करो बूढ़ी कही की, किसी को कोई काम नहीं है क्या यहाँ? चल सुमन, हम हमारे काम के लिए निकलते हैं। फिर वहाँ जाकर अच्छी जगह नहीं मिलती कपड़े धोने के लिए, और कपड़े भी ठीक से नहीं निकलते। रमा तुम चलो, मैं अभी थोड़ी देर में पहुँचती हूँ, बूढ़ी माँ की थोड़ी मदद कर देती हूँ।
हाँ हाँ, तूने ही ले रखी है सारे गांव की जिम्मेदारी। करती रह लोगों के काम, मैं तो चली। अब रमा आगे जाकर अपने कपड़े धोकर उसे सुखाने के लिए डाल रही थी कि तभी सुमन अपने कपड़े धोने लगती है। उसे देख रमा, आ गई सारे गांव की काम वाली। आज नहीं लाई किसी के कपड़े या फिर घड़ा जिसे भरकर पानी ले जा सके। रमा, ऐसे क्यों बात करती हो? अरे वो थके हारे है, बूढ़े हो चुके हैं। क्या हुआ अगर हम उनकी कुछ मदद कर दे तो? तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। वो रमा की ओर देखकर, बेटी क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है बेटी। ओ साधु बाबा, चलो निकलो यहाँ से, पानी ही पीना है तो इतनी बड़ी नदी नहीं दिख रही? ले लो कहीं से भी पानी और पी लो। पानी क्या मांगना पड़ता है? अरे बेटी, मेरे पास पानी पीने के लिए कोई साधन नहीं है। तो अपने हाथ तो है ना, उन्हीं से पी लो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। रुको साधु बाबा, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुमन अपने मटके में पानी भरकर साधु बाबा को पिलाती है। तो साधु, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम इसी गांव की हो? जी बाबा, हम इसी गांव के हैं। आप कहाँ से आए हैं? बेटी मैं जंगलों में यहाँ से वहाँ भटकता रहता हूँ। आज तुमने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुम्हें आशीष के तौर पर एक मटका देना चाहता हूँ। जब तक ये मटका तुम्हारे घर में रहेगा, तुम्हारे घर में सुख शांति खेलती रहेगी। साधु कई सारे मटके अपनी सिद्धि से बनाते हैं। घड़ों को देख रमा, इतने सारे घड़े, अरे इसमें तो सोने का भी घड़ा है। क्या मैं पूछ लूँ इस बाबा से एक घड़े के लिए? हाँ हाँ, तुम भी ले जा सकती हो एक घड़ा। आपको कैसे पता चला कि मैं क्या बात कर रही हूँ? बेटी मैं दूसरों के मन की बात जान लेता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। हाँ तो ठीक है, क्या मैं ये सोने का घड़ा ले जा सकती हूँ? हाँ जरूर। बेटी सुमन, तुम कौन सा घड़ा लेकर जाओगी? बाबा मेरे घर में तो सब कुछ है, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटी मेरी बात मानो, तुम इसमें से घड़ा लेकर जाओ। सुमन मैंने तो अपने पसंद का घड़ा ले लिया है, अब तू भी ले ले। अब सुमन अपने लिए मिट्टी का घड़ा पसंद करती है और उसमें पानी भरती है। तभी रमा मन ही मन, अब तो मैं अपने लिए इस घड़े को पिघलाकर बहुत सारे गहने बनाऊंगी, ताकि गांव में सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत मैं ही दिखूंगी। और ये सुमन, ये तो बिल्कुल ही पागल है, इसे तो बिल्कुल अकल नहीं है। इसने तो मिट्टी का घड़ा ही लिया जो कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। क्या हुआ दीदी, आप हंस क्यों रही है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। रमा जल्दी जल्दी में ही अपने घर जाने लगती है। जाते जाते आज वो किसी से बात नहीं करती। कोई उसे रोकने की कोशिश करे तो वो उसकी तरफ देखे बिना ही चली जाती है। गांव के पास जाते ही घड़े को छुपा लेती है ताकि कोई उसके सोने के घड़े को ना देख पाए। अब दोनों अपने अपने घर चली जाती है और रमा जल्दबाजी में अपने घड़े का पानी आंगन में ही फेंकने लगती है तो उसके शरीर पर अचानक से कई सारे कीड़े हमला कर देते हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये कीड़े, इतने सारे कीड़े कहाँ से आ गए? ये मुझे काट रहे हैं। कोई बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। रमा वो घड़ा अपने हाथ से नीचे फेंक देती है और वो नीचे गिरते ही अदृश्य हो जाता है। तभी रमा पागलों की तरह साधु बाबा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर भागने लगती है, क्योंकि उन कीड़ों ने रमा के शरीर पर जगह जगह पर जख्म कर दिया था। दूसरी ओर सुमन जैसे ही घड़े का पानी अपने दूसरे मटके में डालना शुरू करती है तो उसमें से सोना निकलने लगता है। जब जब सुमन उस घड़े को उल्टा करती तब तब उसमें से सोने के सिक्कों का पानी बहने लगा। यहाँ भागते भागते थकी हारी रमा, साधु बाबा कहाँ है आप? आपने ये कौन सा घड़ा मुझे दिया था? ये मेरे पूरे शरीर में आग जल रही है जिसमें सिर्फ कीड़े ही कीड़े निकले। तभी आकाश में साधु का चित्र बन जाता है और वो रमा से, रमा वो पाप का घड़ा था जो तुमने खुद चुना था अपने लिए, और सुमन ने पुण्य का घड़ा चुना था, इसलिए उसका घर सोने से भर चुका है। अब रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपनी बदतमीजी से की जाने वाली बातें याद आती है। उसे समझ में आ जाता है
कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से किसी की सेवा करते हैं।